गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो आज 19/11/2022 है, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे एक बार फिर से जो द हिंदू का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और उसके बाद एक करके जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। और देखेंगे कौन कौन सा एडिटोरियल्स आज के जो एग्जामिनेशन प्रस्पेक्टिव से, पर्टिकुलरली यूपीएससी सीएससी या स्टेट पीसीएस, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या एसएससी रेलवे बैंकिंग, जिसमें जो कि अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज करते हैं, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश का कम्प्रिहेंशन हो या हिंदी का कम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जहाँ पे करेंट अफेयर्स भी काम आते हैं, ठीक है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उसके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं उस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज जो फ्रंट पे न्यूज है, ठीक है, द हिंदू के जो ये पब्लिश है, ठीक है, पब्लिकेशन है, इसमें जो फ्रंट पेज पे जो आज न्यूज आया है, इसमें पहला न्यूज है अभी जो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो टेरर रिलेटेड फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, कब, तो फ्राइडे को, यानी पिछले दिन किया गया था, ठीक है। तो उसमें प्रत्येक देश के टोटल मिलाकर 72 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे, ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो किसी देश का या प्रेसिडेंट हो, ठीक है। तो उसी पीरियड में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स कौन है, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो उनके द्वारा जब पूछा गया कि अभी, ठीक है, जो ये टेरर है, ठीक है, आतंकवादी, ठीक है, उससे रिलेटेड पॉलिसी के बारे में, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा बताया गया कि कुछ कंट्री, ठीक है, जो कुछ कंट्री हैं वो क्या करते हैं ना, कि जो टेरर के पॉलिसी है, ठीक है, उसमें वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डेंजरियस वायलेंट किए गए हैं, ठीक है, जो क्या होता है इसमें प्रॉक्सी वार का यूज करते हैं, एक तरह से उसका प्रॉक्सी वार होता है। प्रॉक्सी वार क्या होता है? प्रॉक्सी मीन्स ये होता है कि डायरेक्टली जैसे कि ए पर्सन है और बी पर्सन है, इस दोनों के बीच में यदि किसी तरह से डिस्प्यूट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये ए डायरेक्ट बी से नहीं अटैक कराएंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, ए किसी सी का यूज करके बी से फाइट करेंगे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वार, ठीक है, यानी कि ए डायरेक्टली बी से नहीं कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ए सी के हेल्प से सी को बोलेगा, ठीक है, बी से फाइट करो, ठीक है, हम तुमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ए डायरेक्ट बी से नहीं अटैक करेंगे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वार। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स बोले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि देखिए ये एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं ना कि काफ़ी डेंजरियस वायलेंट करते हैं, ठीक है, और इसमें यह चीज़ बताया गया है कि जो पर्टिकुलरली हमारे नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, वो क्या थे ना कि ये फाइनेंसिंग, तो ये चीज़ होता है कि अब रिसेंटली क्या है ना कि चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड, तो इस पर ये दोनों कंट्री क्या थे, एब्सेंट थे, वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो इस यही चीज़ इस न्यूज़ में पब्लिश किया गया है, ठीक है, इसमें ये बताया गया कि जब तक, ठीक है, पूरे वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के जो भी कंट्री है, ठीक है, वो एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, तब तक हम लोग, ठीक है, क्या है ना कि जो टेरर से रिलेटेड इशू है, ठीक है, उसको हम लोग डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। इसमें और भी बताया गया है कि देखिए ये जो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो अलकायदा हो या आईएस हो, ठीक है, ये एक मेजर चैलेंज है, ठीक है, किसी भी देश के सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू से, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है, जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर्स कौन है, अमित शाह जी, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया है, ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है। टोटल मिला करके 450 डेलीगेट किया गया, ठीक है, 72 कंट्रीज अवेलेबल थे, तो ये चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट जब न्यूज़ की बात करते हैं, अब ये वाला जो न्यूज़ है पर्टिकुलरली इस न्यूज़ में देखिए, ये डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड है, ठीक है, वो अभी भी क्या है ना कि इस पे, ठीक है, जो अच्छा फर्स्ट वन देख लेते हैं, ये ड्राफ्ट डेटा बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल होता क्या है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए जब हम डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए
डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए ये क्या है ना कि इसी को, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल की जब बात करते हैं तो इसमें क्या आता है ना कि इसी लॉ को, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसको हम लोग डिजिटल, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022 भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, नोटिफिकेशन अपॉइंट किया गया है, ठीक है, गैजेट में, ठीक है, और इसमें जो है प्रोविजंस किया गया है, ठीक है, इस एक्ट के तहत, ठीक है, ऑटोमेटेड, ठीक है, बोर्ड, ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा कमिंग दिया है कि ऑटोमेटेड मीन्स एंड डिजिटल प्रोसेस, ठीक है, कैपेबल टू ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शंस गिवन अदरवाइज ए पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग डेटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड होगा। और भी देखिए यहाँ पे ये बताया है चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है, कौन सा कंटेंट डाला जाएगा, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड इशू, ठीक है, कौन सा कंटेंट होगा, नहीं होगा, एज रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये सब चीज़, डेटा मतलब डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन्फॉर्मेशन फैक्ट कॉन्सेप्ट किस तरह से, उसके बाद डेटा फैसिलिटी, ठीक है, उसके बाद डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रोसेसर, उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे क्या है ना कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखिए जब हम न्यूज की बात करते हैं तो न्यूज में क्या है कि हो गया, ठीक है, देखिए न्यूज में ये बताया जा रहा है कि देखिए डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, ठीक है, इसमें क्या है ना कि ये जो है कहीं ना कहीं ये मेंटेन रहेगा, ठीक है, और इस तरह से कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ को, कोई भी इंडस्ट्री जो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, अगर उसका वायलेट करते हैं, ठीक है, उस पर पेनल्टी जो है इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, 500 करोड़, ठीक है, तक के फाइन उसको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो रूल्स हैं क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, देखिए क्या होता है ना कि डेटा प्रोटेक्शन में बहुत सारे कंपनी थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि डेटा का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं पर्सनल पर्पज़ के लिए। मान लीजिए कि उसका जो है, ठीक है, क्या देखिए फर्स्ट वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का कोई डेटा है, इसका यूज करता है चाइना में, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि मान लीजिए कि चाइना में इस डेटा का यूज किया, ठीक है, इससे क्या है ना कि हमारे देश के सिक्योरिटी पे हानि पहुंचता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डेटा है जो कि पर्सनल किसी के इंडिविजुअल डेटा रहता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इंडिया का कोई डेटा चाइना यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, मे बी उसका मिसयूज कर सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ दिन पहले ये गाइडलाइंस आया था, ठीक है, इसमें ये लाया गया था कि देखिए क्या है ना कि ये जो है, ठीक है, अगर डेटा का कोई भी कंपनी है उसको, अगर वो मान लीजिए कि अगर इंडिया का, अगर कोई भी कंट्री का अगर कोई कंपनी है, अगर वो उसका इंडिया में उसका ऑफिस है, ठीक है, अगर वो डेटा इंडिया का यूज कर रहा है तो उसका जो ऑफिस होना चाहिए इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है, उसका ऑफिस यानी ऑफिस अगर यूएसए में है, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, सपोज कीजिए कोई एमएनसी है, अगर वो एमएनसी मल्टी क्या है ना कि उसका ऑफिस इंडिया में यूएसए में है, ठीक है, और वो जो वर्क कर रहा है वो इंडिया में भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है ना कि जो डेटा है इंडिया का डेटा है, अगर वो डेटा इंडिया का यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको इंडिया का डेटा इंडिया में ही ऑफिस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया में ही रहना चाहिए, ना कि इंडिया का डेटा वो अपने यूएसए का ऑफिस में जाके रख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ को लेकर के क्या है ना कि ये बिल लाया गया था, ठीक है, क्योंकि इंडिया का और उसके बाद इसमें और भी ये प्रोविजंस किया गया था इस बिल में, और भी मेंशंस था इंडिया का इसमें कि ये जो है, ठीक है, अगर जो इंडिविजुअल का एक्सेस होता है, ठीक है, इंडिविजुअल का कोई डेटा आता है, अगर हमको उसका कंपनी अगर कोई चाहता है कि हम उसका डेटा का यूज करें, ठीक है, तो उससे क्या है ना कि क्या है, उससे परमिशंस मांगना अनिवार्य है, ठीक है, जो कि अभी भी देखते होंगे, कभी कभी देखते होंगे आप मोबाइल पर कोई भी फंक्शन, कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आप क्या मांगता है, अपने एक्सेस मांगता है, ठीक है, तो परमिशन मांगता है, तो ये सारे चीज़ यही डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बिल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ अभी भी क्या है ना कि इस तरह से मेंटेन रहेंगे, ठीक है, आने वाले दिन में अगर इस तरह से कोई भी कंपनी इस तरह से विदाउट परमिशंस का किसी का इंडिविजुअल डेटा का यूज करता है, ठीक है, तो वो क्या है ना कि उसको 500 करोड़ तक का फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो वही क्या है ना कि इसमें ये बताया कि पेनल्टी जो है 500 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया था वो कब आया था, 2022 में आया था, ठीक है। तो इसी को डेटा प्रोटेक्शन बिल भी कहते हैं या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूज। अब देखिए जब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो ये तो फ्रंट पेज पे था, यहाँ पे और कुछ खास है नहीं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। देखिए ये तो फ्रंट पेज था ही, ठीक है।
और देखिए अब नेक्स्ट जब बात करते हैं तो अभी रिसेंटली ठीक है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है देखिए जब ये अभी इस न्यूज़ की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली क्या था ना कि इन्वायरमेंट सर्विस ठीक है इसको इंडिपेंडेंट करने की बात की गई थी, ठीक है सुप्रीम कोर्ट में पैटिशन दायर किया गया था, ठीक है कि एक इन्वायरमेंट सर्विस जो है उसको इंडिपेंडेंट किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पैटिशन था उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है तो इसी को लेकर के अभी न्यूज़ में आया है कि फ्राइडे को ठीक है जो इंटरवेंस था ठीक है गवर्नमेंट का ठीक है इन्वायरमेंट सर्विस रिलेटेड ठीक है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है तो ये चीज़ कब मतलब फाइल किया गया था ये रिपोर्ट 2014 में, ठीक है पेटिशंस किया गया था, ठीक है और इसमें ये बताया गया था कि जो NGT है ठीक है जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ठीक है तो उसके द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि एक नया क्या करना चाहिए एक ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है AIS के अंतर्गत, ठीक है इसको स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, ठीक है तो इसी को लेकर के जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है तो ये चीज़ है। अब देखिए जब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो इस न्यूज़ में अब देखिए यहाँ पे ये तो कोई खास नहीं है एग्जामिनेशन फैसिलिटी से इस न्यूज़ को देख लिए, ठीक है ये अभी कॉर्पोरेशन 27 हुआ था, ठीक है तो वही कहता नो विथ नो सेंसस ठीक है कंसेंस ये कॉर्पोरेशन 27 ठीक है एक्सटेंड बाय डे, ठीक है तो अभी देखिए क्या नहीं कॉर्पोरेशन 27 का जो मीटिंग चल रहा था वो डे बाय डे क्या हो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है और इसमें तरह तरह के ठीक है इशूज देखने को मिल रहा है वहाँ पे। अभी देखिए क्या है कि उसमें सब्सिडी से रिलेटेड ठीक है इन इफिशेंसी से रिलेटेड तो सारी चीज़ वहाँ पे बातचीत की जा रही है और इसमें जो पर्टिकुलरली प्रत्येक कंट्री के ठीक है चाहे वो इंडिया का हो ठीक है उसको आ जा करके UAE का हो ठीक है तो इजिप्ट ये सारी चीज़ वहाँ पे सबका प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है और ये सब चीज़ वहाँ पे बातचीत की जा रही है कि किस तरह से इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू है, ठीक है इस सब पे सभी पे डिस्कशंस करते हैं, ठीक है तो इसी को लेकर के हैं। और जो कॉर्पोरेशन 27 है ठीक है वो कहाँ आयोजित किए गए इजिप्ट में, ठीक है तो ये सब चीज़ को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए जब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं अब देखिए कोई खास न्यूज़ है नहीं, ठीक है पर्टिकुलरली हाँ देखिए अभी रिसेंटली ठीक है जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं ठीक है उनके द्वारा ये काशी तमिल मीट ठीक है वाराणसी में ठीक है ये चीज़ ऑन इनोग्रेशंस किया जाएगा और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा जो ये इनोग्रेशंस किया जा रहा है तो इससे क्या होगा ना कि जो कल्चर का ठीक है ट्रांसफॉर्मेशंस है ठीक है वन स्टेट टू अनदर स्टेट इससे ज़्यादा इस ये देखने को मिलेगा और इससे क्या होगा ना कि जो लखनऊ है ठीक है इसमें जो तमिल कल्चर्स हैं जो तमिलनाडु के पीपल्स हैं उसको उससे जो कुछ सीखने को कल्चर्स से सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे है कि द्रविड़ियन कल्चर एंड कोसाइन एंड म्यूजिक ठीक है तमिलनाडु टू पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है तो ये चीज़ देखने को मिलेगा तो यानी कि मोदी के द्वारा आज इनोग्रेशन किया जा रहा है, ठीक है तमिल मीट ठीक है इन वाराणसी, ठीक है वाराणसी में तो ये था न्यूज। अब देखिए और भी कुछ खास न्यूज है नहीं, ठीक है हाँ एक और यहाँ पे देखिए आज द हिंदू में जो न्यूज देखने को मिला है इसमें देखिए क्या है ना कि इंडिया ठीक है इंडिया और रशिया ठीक है दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है कोऑपरेशन किसको काउंटर करने में जो टेरर से रिलेटेड इशू है, ठीक है कहाँ पे तो यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है दोनों एक साथ देखने को मिले वहाँ पे जो रिलेटेड इशू था, ठीक है तो अब देखिए दोनों मिल करके ये जो टेरर से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे हैं, ठीक है पर्टिकुलरली अभी देखे होंगे ठीक है जो डिजिटल ठीक है डिजिटलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है तो ये चीज़ उसके बाद देख करके बायो ठीक है जैसे कि अभी देखिए COVID-19 का ठीक है कोरोना वायरस का तो मे बी जो बायो टेररिस्ट है ठीक है उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इशू है उसको भी रिसॉल्व करने का दोनों कंट्री एक साथ आएंगे इसी चीज़ को लेकर के ये न्यूज में आया है, ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो अग्निपथ से रिलेटेड स्कीम है ठीक है इस पर क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ठीक है
12 दिसंबर को सुनवाई किया जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये चीज सूचना दिया गया है कि जो अग्निपथ स्कीम है, ठीक है, अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, कि अग्निपथ स्कीम में क्या है ना कि जो सर्विसेज हैं, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, उसमें क्या है ना कि 4 ईयर्स का, ठीक है, उसका एक शॉर्ट पीरियड ऑफ शॉर्ट सर्विस प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। इसी को लेकर कुछ दिन पहले इशू में आया था, ठीक है, तो इस दिल्ली हाई कोर्ट में इस पे पिटीशन दायर किया गया, ठीक है, तो इसी को लेकर के चैलेंज किया गया था तो सेंटर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ का 12 दिसंबर को इस पे सुनवाई होने की पॉसिबिलिटी है। आप देखिए क्या होता है इसमें, क्या वहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए कुछ है नहीं खास इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का एडिटोरियल्स देख लेते हैं, ठीक है। एडिटोरियल्स की जब बात करते हैं तो ये एडिटोरियल्स देखिए, आज का जो एडिटोरियल से काफ़ी इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि देखिए ये है ना गवर्नर, ठीक है। जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो ये गवर्नर क्या होता है ना कि जैसे कि सेंटर में, ठीक है, सेंटर में क्या होता है प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, उसी के पैरेलली, ठीक है, स्टेट में गवर्नर होता है। अभी क्या हुआ ना कि रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ था ना कि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, बहुत सारे ने तो नहीं कह सकते, जैसे केरला है, ठीक है, अभी केरला में गवर्नर से रिलेटेड इशू आया था। क्या इशू था, तो केरला गवर्नमेंट, ठीक है, के द्वारा केरला में के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनके द्वारा वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे उसके बहुत सारे डिस्प्यूट देखने मिले, ठीक है, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। कब मिला, तो वो क्या था ना कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जिसमें कि APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी भी था, ठीक है, तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर था उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू आया था कि उसका जो अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक है, वो सही ढंग से नहीं किया गया, रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि गवर्नर का जो, ठीक है, जो पावर है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गवर्नर जो वर्क करेंगे वो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रह कर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि, ठीक है, संविधान से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर काम करेंगे कोई भी, ठीक है, मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, सभी का कहीं ना कहीं वर्क फंक्शंस, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, गवर्नर के बारे में बताया कि गवर्नर जो है, ठीक है, देखिए क्या है ना कि जब हम कोई भी मिनिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, वो क्या है ना कि पब्लिक का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है। और इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पब्लिक है उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, उसी के लिए, ठीक है, कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, उसी के लिए जो कि बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। और गवर्नर जो है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्टेड होता है, ठीक है। और जब हम चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं या MP की बात करते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन से चयनित होते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो, ठीक है, देखिए दोनों का पावर अपने जगह सही है, लेकिन जब दोनों का कंपेरिजन करते हैं इस केस में क्या होता है ना कि जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है। तो इसी केस में राइटर और ये बता रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनका अपने पावर का यूज करना चाहिए, ठीक है, और किसी के अंदर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी है, चाहे वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, ठीक है, वो अपने संविधान के अंदर ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के हैं, और इसमें पर्टिकुलरली इसमें ये बताया कि कोई भी इशू आता है, ठीक है, किसी भी स्टेट में, तो क्या आता है ना कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, अब मान लीजिए गवर्नर है, ठीक है, वो किसी अन्य रूलिंग पार्टी से है, और जो वहाँ पे रूल कर रही है पार्टी, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है ना किसी अदर पार्टी से है, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी इशू आते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक का अपना पावर और फंक्शंस के बारे में डिस्कशंस किया गया। गवर्नर का फंक्शंस क्या होता है, गवर्नर के पावर्स क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो वही जब हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में, ठीक है, तो देखिए गवर्नर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल 153, ठीक है, गवर्नर को, ठीक है, प्रत्येक स्टेट में एक गवर्नर होगा, ठीक है, तो इसके बारे में
बात की गई है। उसी तरह से वन आर्टिकल 154 की बात करते हैं, ठीक है, गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इसी को लेकर के ये एडिटोरियल्स पब्लिश किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जब एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये एडिटोरियल्स क्या है ना कि अभी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्या बात की गई है, इसमें ये बता रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, उसको आवश्यकता है क्या चीज़, न्यू डॉक्ट्राइन, ठीक है, नया प्रिंसिपल, नया सिद्धांत के। क्यों, इसीलिए कि देखिए क्या है ना कि अभी रिसेंटली, ठीक है, जो डिजिटलाइजेशन है, सारे चीज़ का डिजिटलाइजेशन है किया गया, ठीक है। इस क्रम में क्या है ना कि जो बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे वेपन्स हैं, ठीक है, जो कि उसके लिए, ठीक है, पर्टिकुलरली जो डिपार्टमेंट है जैसे कि एयरफोर्स है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो हायर अथॉरिटी हैं, जो लोअर अथॉरिटी हैं, तो सबको कहीं ना कहीं अपना अपना वर्क फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि एक न्यू डॉक्ट्राइन आईडी बनता है, नया प्रिंसिपल आता है, तो इससे क्या होगा ना कि उसका जो फंक्शंस करने की कैपेबिलिटीज है वो कहीं ना कहीं इन्हांसमेंट होगा, ठीक है, और नया नया टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ बताए हैं और इससे क्या होगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा, ठीक है, वो किसी भी, ठीक है, किसी भी एरिया में, ठीक है, पर्टिकुलरली जब हम क्वाड की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वाड में क्या है ना कि क्वाड के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि देखिए क्वाड में क्या है ना कि यूएसए, ठीक है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये चार मेंबर हैं, ठीक है। तो इससे क्या है ना कि अगर हम इस तरह से देखेंगे क्वाड में भी, ठीक है, तो क्वाड से भी हम लोग को कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे डेलीगेशन हैं क्योंकि सारे कंट्री क्या है ना कि सारे चीज़ को लेकर के खास करके, ठीक है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, चाहे वो वेपन्स से रिलेटेड हो या एस्पाइस जो भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी हेलीकॉप्टर्स हो, ठीक है, तो ये सारे चीज़ का क्या है ना कि एक तरह से डिजिटलाइजेशन हो गया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिजिटल पे काम कर रही है, ठीक है, तो ये सब चीज़ हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हमारे नेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर के यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल्स, ठीक है, ये दो ही एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंस था। देखिए जब थर्ड एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये आज सैटरडे है और सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है किसी पर्टिकुलरली, ठीक है, प्लेस का, ठीक है। तो इसमें जो आज ग्राउंड जीरो ये पब्लिश किया गया है ये दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली में जो अभी रिसेंटली पॉल्यूशंस है, पॉल्यूशंस का जो मात्रा है वो बढ़ गया, एयर क्वालिटी काफ़ी डाउन हो गया, डिग्रेड हो गया, तो वही कहता है यहाँ पे एयर बबल से रिलेटेड है, एयर बबल्स इन दिल्ली डायस्टोपिया, ठीक है, कि मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे एयर का बबल्स हो गया, ठीक है, धूल से भर गया है एयर, ठीक है। तो ये इस तरह से कहने के आने वाले दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा क्या है ना कि जो स्कूल है वहाँ पे, ठीक है, स्कूल में क्या किया गया है, जो एयर प्योरीफिकेशन है, ठीक है, एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है बहुत सारे ऐसे स्कूल्स में, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि वहाँ जो बच्चे, ठीक है, स्टडी करने जाते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है, तो उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये ग्राउंड जीरो पब्लिश किया गया है, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली इससे आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, और जो एक कंप्रिहेंशन है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था आज का न्यूज और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, थैंक यू, और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ठीक है क्या है ना कि एग्जामिनेशन, ठीक है, नियरेस्ट आने वाला है, 28 मई को एग्जाम है, ठीक है, और जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है, थैंक यू।